गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू अयोध्या यात्रा फ्रॉम मुंबई, प्रोटेक्टेड बाय राइडा गियर्स। अभी हम जा रहे हैं वाराणसी एक्सप्लोर करने। टाइम हो चुका है काफी ज्यादा 11 बजे, लेकिन हम आज अच्छे से सो गए। 8 घंटों की नींद हमने ले ली फाइनली, क्योंकि एक हफ्ते से हम ज्यादा सो नहीं पा रहे थे। आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस देखे, नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जरूर देखना। स्पेशली अयोध्या जी के दर्शन, जो मेन दर्शन है, उसका व्लॉग जस्ट मैंने अपलोड किया है, तो वो जरूर देखना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, सब कुछ वो वीडियो में है, ताकि जब भी आप प्लान करो आपको हेल्प हो जाए। चलो सागर, लेट्स एक्सप्लोर बनारस। तो लो जी, बैठ गए हम ऑटो में। इलेक्ट्रिक ऑटो बहुत बढ़िया चीज है। अरे बाप रे, क्या चल रहा है। तो वाराणसी में आपको जगह जगह पे ऑटो मिल जाएंगे, तो आपको आपकी गाड़ी ले जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियां है। इसीलिए आप बनारस के जो मेन घाट है उसके आसपास ही रहिए। अब हम 2 किलोमीटर दूर है, तो हम अभी 20-20 रुपए सवारी करके जा रहे हैं। चलो जी, आ गए हम यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। तो सबसे पहले करेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि दर्शन इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज क्या क्या हम करने वाले, ताकि आपको प्लान करने में हेल्प हो। ये देखो वाराणसी की गलियां, छोटी छोटी गलियां। यहाँ पे भी होटल्स है छोटे छोटे, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो पार्किंग नहीं मिलती ना। चलो जी आगे पे आ गए, लेकिन लाइन तो देखो भाई साहब, आधी किलोमीटर तो यहाँ से लाइन है, और यहाँ से अंदर कितना है पता नहीं। तो अभी सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि लाइन में बहुत टाइम लगने वाला है। वैसे यहाँ पे मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो लॉकर में रखना पड़ेगा। कुछ भी अलाउड नहीं है ना? नहीं ना। तो यहाँ पे कचौरी चना फेमस है, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले ये खाएंगे। वैसे काफी टेस्टी लग रहा है। अब फूड एक्सप्लोर मैं करूंगा, लेकिन दर्शन के बाद बहुत सारा फूड है वाराणसी में जो एक्सप्लोर करने लायक है। तो चलो खाते हैं और फिर लाइन में लगते हैं। तो गाइस, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे 2 से 3 घंटे लग सकते, कि आज सैटरडे है तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे एक सुगम दर्शन है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके थोड़ा सा VIP दर्शन जैसा हो जाता है 300 रुपए में। तो ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा मंदिर के जस्ट पहले। तो यहाँ पे आपको बुकिंग कर सकते हैं, और उसके साथ लॉकर भी फ्री है इन्हीं का। तो ये संस्था का ये शायद, तो हम ये टिकट निकाल रहे हैं और लॉकर भी मिल जाएगा। सुगम दर्शन 20 मिनट में दर्शन हो जाएगा ना। चलो बढ़िया है। यहाँ पे काफी सुवेनियर शॉप्स भी है, नाइस। तो अब शायद मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अभी दर्शन करके आता हूँ और फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, सब कुछ रखना पड़ेगा लॉकर। हो गए जी हमारे दर्शन काशी विश्वनाथ जी के, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अभी यहाँ पे बहुत नॉइज है, तो आपको अच्छे से मैं आगे बताता हूँ। वैसे ये रहा एंट्रेंस, तो ये यहाँ पे VIP एंट्रेंस, वहाँ पे नॉर्मल एंट्रेंस। यहाँ पे पास निकाल के जा सकते हैं, और ये है ज्ञानवापी मस्जिद, बस उसके बगल में ही मंदिर है। अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी में है, अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पे पूजा कर सकते हैं आप, तो अभी पूजा हो रही है वहाँ पे, और हमने दर्शन भी कर लिए, लेकिन अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो क्या कर सकते। तो इंस्टाग्राम पे मैंने पोल लिया था, काफी सारे लोगों को पूछा था कि यहाँ क्या क्या करना चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन दिए, उसमें से एक रिकमेंडेशन है ब्लू लस्सी शॉप। तो ये मिल गया ब्लू लस्सी शॉप, वो यहाँ पे। अभी आपको बैकग्राउंड नॉइज बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत भीड़ है। देखो नाइस, चलो लस्सी पीते हैं। वैसे दोस्तों, मुझे लगा था कि एक नॉर्मल लस्सी होगी, लेकिन यहाँ पे तो पुस्तकें है भाई। 122 टाइप की लस्सियाँ है यहाँ पे। ओह माय गॉड, कौन सी पिएगा भाई। चलो, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ब्लू बेरी वाली पीऊँगा कोई। तो पिछले आधे पौन घंटे से हम बैठे हैं एक लस्सी पीने के लिए। दो और रिकमेंडेशन, यहाँ जाओ फेमस है, वहाँ जाओ फेमस है। बहुत ही प्यार से बना रहे, आराम से अपना टाइम लेके। ये देखिए आराम से चल रहा है सब कुछ। अंकल हमारी लस्सी दे दो अंकल। 40 मिनट बाद आ गया हमारा ब्लू बेरी। वैसे ब्लू नहीं है, लेकिन ब्लूबेरी फ्लेवर है। तो बनारस की गलियों में घूमते घूमते ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। वाव, सो ब्यूटीफुल। ललिता घाट, वैसे बहुत सारे घाट है आसपास, वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सो लाइन से। और ये देखिए गंगा जी, हर हर गंगे। फिर से सौभाग्य मिल गया गंगा जी के दर्शन करने का। और यहाँ पे आगे 80 घाट, जो एक फेमस घाट है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि वहाँ पे जाइए। पहले हम वही जाने वाले थे, लेकिन पहले दर्शन कर लिए, वो इम्पोर्टेंट था। तो अब हम थोड़ा घाट घूमेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, हो सके तो बोट राइड भी करेंगे। वैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ में 80 घाट तक आपको बोट राइड मिलेगी,
आई थिंक आधा घंटा आराम से लगेगा उसको पहुंचने के लिए। और ये देखो कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही मेरे पापा को पता चला कि मैं वाराणसी आया हूँ, उन्होंने बोला कि काल भैरव जी का दर्शन जरूर करना काशी के कोतवाल, तो उसके बिना आना मत। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और शाम की गंगा आरती भी हमको अटेंड करना है और काफी सारे और फूड जॉइंट्स भी ट्राई करना है, तो देखते हैं। बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। हो रहा आगे काल भैरव मंदिर। बनारसी पान फेमस है इसीलिए हम खा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या बात है, बनारसी पान। सागर भाई बहुत ठंडा है। तो ये मैंने वीडियोस में देखा था, टीवी पे देखा था कि यहाँ बनारस की गलियों में देखो ये वायरस पूर्ण गुंता झालेला है। ये देखो काफी भीड़ है लेकिन बहुत हैपनिंग है, मतलब हर एक एक सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है। अरे देखो पान, बढ़िया पान था यार, मजा आ गया। 30 रुपए का एक। अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ ब्रह्मा घाट कहाँ है का आपको पता नहीं आपको? चलो कोई बात नहीं। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम कट से आगे गलियों गलियों से, क्योंकि मेन रोड पे भाई चलने को भी जगह नहीं। भाई साहब हमको भूख बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे दिख गए आलू टिक्की। ये देखिए एक बात समझ में आ गई कि जो फेमस दुकानें होती है अच्छा है, वो भी अच्छा ही होगा, लेकिन गलियों में ये जब ऐसे शॉप्स होते हैं जो नॉन फेमस है उनके टेस्ट मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं फॉर सम रीजन, है ना। ये भी टेस्टी है, ये बहुत टेस्टी है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने खाया था, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, वहाँ इतना मजा नहीं आया। यहाँ ऐसा सीन है ना कि एक खिड़की से दूसरे खिड़की पे भी जंप मारा जा सकता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे सनलाइट भी गिरती होगी कभी, कुछ ज्यादा ही नहर है। देखो अलग ही गलियां है बनारस की। लो जी आ गए हम वापस ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, ये आजू बाजू में ही है। अब यहाँ से अश्वमेध घाट ना, अश्वमेध घाट बाजू में है। यहाँ पे काफी अच्छा बना दिया है, देखो एस्केलेटर है, प्रॉपर सिस्टम है, तो शायद नया कंस्ट्रक्शन है। और यहीं से आपको डायरेक्टली एंट्री भी मिल जाएगी टू द मेन टेम्पल काशी विश्वनाथ। कितने मोटे पैर है, अरे बाप रे, यहाँ चढ़ने की हिम्मत है क्या? बाय द वे गाइस, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ आपको अगर घूमना है तो बस आप सादी सूदी नॉर्मल चप्पल लेके घूमो, क्योंकि हर जगह निकालनी पड़ी। अगर आप यहाँ पे कोई एडिडास नाइकी पहन के आओगे तो आपकी एडिडास नाइकी कोई लेके जाएगा और वहाँ पे रख देगा फ्लाइट। मेरा एडिडास कोई चोरी नहीं हुआ, मेरा ये मेरा खुद का फ्लाइट है। चलो अभी गंगा जी के आसपास ही रहते हैं, अब देखते कुछ बोट राइड करते हैं क्योंकि अंधेरा होने के बाद मजा नहीं आएगा, और फिर अश्वमेध घाट वहाँ पे गंगा आरती का नजारा देखते हैं। ये देखो भैया हम जा रहे हैं अभी बोट राइड में। तो अभी ये हमको गंगा आरती दिखाएंगे, मतलब बोट से गंगा आरती देखेंगे, क्या बात है। बोट और फिर लगवा देंगे, बाजू में लगवा देंगे पार्क करके। हाँ। और फिर 80 घाट घुमा के पिच एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा। ठंडी लगने वाली है सागर, सुबह क्लब स्वेटर ले लो। मजा कर रहा हूँ, स्वेटर नहीं है, ये लाइफ जैकेट है, तो ले लो जल्दी खत्म होने के पहले। तो फाइनली हमारी बोट की सफर शुरू होती है ललिता घाट से 80 घाट वाया अश्वमेध। थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि नया पहले बार आया है। वाह क्या बात है भाई, ये है एक्सपीरियंस। ये देखिए गंगा जी। लो जी आ गए हम अश्वमेध घाट और यहाँ पे हो रही है अभी गंगा आरती की तैयारी। कितने सारे लोग जमा हो गए देखो, बाप रे, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है ये। अभी हमारी बोट वहाँ पे पार्क होगी और हम देखेंगे गंगा आरती। नहीं नहीं शादी शादी होने के बाद ये यहाँ पे ऐसा होता है क्या? सही है, वो तो रहा है। हो रहा है। हाँ व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, आपने तो दिखा होगा, वैसे हमें लाइव देखने में बड़ा मजा आने वाला है। ये देखिए गाइस क्या माहौल हो गया, सब बोट यहाँ पे पार्क हो चुकी है,
काफी अलग अलग टाइप के लोग हैं। देखो यहाँ पे कुछ फिरंगी लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं और सब लोग अभी देखेंगे दशोमेध घाट में गंगा जी की आरती। क्या माहौल होगा थोड़ी देर में। हर हर गंगे। देख लीजिए गंगा आरती, बहुत अच्छा लगा और काफी है, एक घंटा चलती है ऑलमोस्ट। और अभी सब लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स अस्सी घाट। ये देखिए कितने सारे बोट हैं और ठंडे भी बढ़ चुकी है। ये देखिए ठंडे ठंडे गरम गरम कपड़े पहन लिए। क्या बात कर रहे हो, ये होटल है यार। आगे हम अस्सी घाट। हाँ उतर जाते हैं। हर हर गंगे। तो ये देखो ये है अस्सी घाट, कितना खूबसूरत है यार। वाह चलो बस निकलते हैं राइट नाउ, इट इज 7:30। आज का भी दिन भाई कमाल का था, कमाल का। कल और परसों के दिन भी कमाल होने वाले क्योंकि दिन भर राइट।